फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स देखिए, कल एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे चेक करके देख सकते हो कि आपका पैन कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, कौन सा ईमेल लिंक है या कौन सा एड्रेस दिया गया है। तो फ्रेंड्स उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि मेरा पैन कार्ड NSDL का है तो उसमें कैसे मोबाइल नंबर लिंक करूँ, या मेरा पैन कार्ड UTI का है तो उसमें कैसे मोबाइल नंबर लिंक करूं, तो इस टाइप से मैसेज आ रहा है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मोबाइल नंबर लिंक करना है पैन कार्ड के साथ, क्या प्रोसेस है लिंक करने का, तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैक्सिमम लोगों ने ही जो पैन कार्ड है पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक हो चुका है तो आपको मोबाइल नंबर लिंक करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो जाता है तो आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है या रजिस्टर रहता है, वही आपका पैन कार्ड का भी रजिस्टर मोबाइल नंबर हो जाता है, या ईमेल आईडी भी सेम तरीके से हो जाता है, आपका एड्रेस भी सेम तरीके से हो जाता है, आपको दोबारा उसमें लिंक करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक था या रजिस्टर था वो आपके पास अभी नहीं है, वो मोबाइल नंबर ही आपने बंद कर दिया है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आधार कार्ड के साथ आपको मोबाइल नंबर लिंक करना होगा। अगर आप आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक कर देंगे तो ऑटोमेटिक से ही वो पैन कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा, क्योंकि आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर दिया है। तो जो भी डिटेल्स आपका आधार कार्ड में रहेगा वो डिटेल्स आपका पैन कार्ड में हो जाएगा, यानी दोनों का डिटेल्स सेम हो जाएगा। तो यही है फ्रेंड्स प्रोसेस, अगर आपका ऑलरेडी लिंक है और वो मोबाइल नंबर आपके पास है तो ऑलरेडी आपका लिंक हो चुका है। तो कैसे चेक करना है, कल जो वीडियो बनाया था उस वीडियो को देखिए, आपको पता लग जाएगा कि हाँ कौन सा मोबाइल नंबर, कौन सा ईमेल आईडी आपका पैन कार्ड के साथ लिंक है, तो आप पता लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने अभी तक आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो फटाफट से लिंक कर लीजिए, क्योंकि लिंक नहीं करेंगे तो आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड वो मतलब बेकार हो जाएगा, कोई भी काम उस पैन कार्ड से नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड्स अभी लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपीज का फाइन देना होगा, फाइन देने के बाद ही आपका जो पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो पाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, बहुत ही सिंपल सा वीडियो था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।